प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखीमपुर कांड पर बोले डिप्टी सीएम ऋजेश पाठक, सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुल्तानपुर दौरा, खराब मौसम के चलते कार्यक्रम में हुआ बदलाव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे पार्टी कार्यालय, सपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में फोर्स हुई तैनात। यूपी में मुख्तार अंसारी की होगी पेशी, बांदा जेल से मऊ कोर्ट के लिए होंगे रवाना। भारत जोड़ो यात्रा में यात्रियों के लिए सख्त नियम, सुबह 4 बजे से उठना, 6 बजे तक तैयार होना है जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। लखीमपुर के निघासन में दो दलित बहनों की रेप हत्या मामले में एसपी और डीएम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस मामले में 6 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर युवतियों की माँ की तहरीर पॉक्सो एक्ट में 4 के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। तो उधर परिजनों की मौजूदगी में 3 डॉक्टरों की पैनल लड़कियों का पोस्टमार्टम कर रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। ये सभी लड़के बेसिकली एक मुख्य गांव है लालपुर, उसी का मजरा है ये, जिस गांव की ये महिला है उस गांव का नाम है तमोली पुरवा और ये लड़के सब लालपुर के हैं। इन लोगों को बुलाया गया, इन दो लोगों ने, अब ये 5 लोग हो गए थे, पहले 3 थे मौके पे, 5 हो गए। इन सब लोगों ने मिलकर के साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से इन दो लड़कियों को उस पेड़ पे फंदे के साथ डाल दिया। कितनी घटना अभी तक हमारे संज्ञान में आई है, पीएम की कार्रवाई चल रही है। पीएम की कार्रवाई होने के बाद हम लोग और भी डिटेल इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अभी और पूछताछ बाकी है कई बिंदुओं पे, कई बिंदुओं, छोटे छोटे बिंदुओं पे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। उस पर हम लोग अपने साइंटिफिक एविडेंसेस गैदर कर रहे हैं, लोगों के बयान होने हैं, अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जैसी ऐसी बातें खुलती जाएंगी हम लोग उसको आप लोगों को अवगत कराते जाएंगे। फिलहाल जो भी लोग नामजद थे सभी लोग हमारे हिरासत में, प्लस ये 2 लोग, 6 लोग, सभी 6 लोग जो इस घटना में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, सभी 6 लोग हमारे हिसाब में और कल जेल में। लखनऊ में नदवा मदरसे में सर्वे पूरा हो गया है। आपको बता दें कि कई अधिकारियों की मौजूदगी में ये सर्वे किया गया है। वहीं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी ऑफिसर के मुताबिक नदवा प्रशासन ने सर्वे में पूरा कॉर्पोरेट किया, नदवा प्रशासन की सभी चीजें सही पाई गई। सर्वे में टीम ने लगभग 1.5 घंटा तक सर्वे किया। वहीं नदवा की सर्वे रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं सर्वे के दौरान SDM, ABS, DMO और कई अधिकारी मौजूद रहे। औरैया में शासन के निर्देश पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। जानकारी के मुताबिक SDM के नेतृत्व में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के मदरसों की जांच स्ट्रीम BDO में शामिल किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्र के मदरसों की जाँच में EO को शामिल किया गया है। पहले दिन विधुनाथ तहसील में SDM के नेतृत्व में मदरसे की जाँच की गई, तो वहीं आज औरैया सदर तहसील में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जाँच की जाएगी। उनके निर्देश हैं कि जो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत मदरसे हैं उनकी सत्यापन कराया जाए, देखा जाए और उनका एक प्रोफार्मा शासन ने दिया, उस पर उसकी सूचना मंगाई हुई है। तो तीनों तहसील की 3 टीमें हमने गठित की है SDM के नेतृत्व में। अगर वो रूरल क्षेत्र है तो उसमें BDO को भी ऐड किया है और अगर अर्बन क्षेत्र है तो उसमें EO नगर पालिका को ऐड किया है। तो अभी कल एक तहसील में इन लोगों ने किया है, आज चूँकि कई मीटिंगें लगी हैं तो आज ये टीम नहीं गई हुई है। 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ता गवर्नमेंट ने समय दिया है, कल सदर तहसील का करेंगे। तो उसमें जो प्रोफार्मा है उसके हिसाब से कॉलम भरते हैं, कितने छात्र हैं, किस जगह लोकेटेड है, मान्यता है नहीं है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं इत्यादि, वो 8-10 कॉलम का बना हुआ है, वो हम लोग रिपोर्ट भेजने के साथ। सर कल किस तहसील का किया गया था और कितने मदरसों का? कल विधुना का किया था इन लोगों ने, 4 मदरसा का किया था और उसकी रिपोर्ट शासन। सर कितने इसमें अनरजिस्टर्ड मिले थे? अनरजिस्टर्ड की ही जाँच हो रही है, अनरजिस्टर्ड के, रजिस्टर्ड की अभी इसमें प्रायोरिटी में नहीं है, तो 3 उसमें से अनरजिस्टर्ड थे उसकी सूचना भी दी।
यूपी में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों की अब खैर नहीं। योगी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ बेहद सख्त है। ऐसे में बिजनौर में चल रहे मदरसों की सर्वे की शुरुआत हो गई है, जिस पर अल्पसंख्यक विभाग के अफसरों ने 3 मदरसों का सर्वे किया, जिसमें कई खामियां देखने को मिली। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर तक सर्वे की सभी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। हम अभी सुबह से तीसरे मदरसे में यहाँ पर आए हैं और जो हमने सर्वे में देखा, वहाँ पर जो गैर मान्यता वाले मदरसे हैं वो मोस्टली दीनी तालीम दे रहे हैं। ज़्यादातर मदरसे ऐसे ही हैं। कुछ मदरसों ने हालांकि बताया कि उनके यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, हिंदी अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है। और कई मदरसों ने ये भी बताया कि उनके बच्चे दीनी तालीम उनके मदरसे में ले रहे हैं और दुनियावी तालीम के लिए दूसरे स्कूलों में एडमिशन भी है उनका। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, गैर मान्यता प्राप्त का मदरसों का सर्वे चल रहा है, इसको लेकर बिजनौर में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीएम योगी हैं, सीएम योगी द्वारा जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे संचालित हैं जनपदों में, उनके सर्वे के लिए निर्देश दिए गए थे। उसी को देखते हुए जो बिजनौर में अल्पसंख्यक विभाग है उसके द्वारा मदरसों का सर्वे किया गया। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 मदरसों का सर्वे किया है। सर्वे में जो पाया गया है, जो बच्चे हैं उन्हें मदरसों में सिर्फ जो दीनी तालीम है वो दी जा रही थी, अब बुनियादी तालीम नहीं दी जा रही थी। जैसे कि जो शिक्षा होती है उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तालीम नहीं दी जा रही थी, सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही थी। सर्वे के दौरान ये पाया गया है। साथ ही जो 3 मदरसे जो सर्वे के दौरान जो पाए गए हैं उनमें जो नवीनीकरण था, जो मान्यता थी, उनका नवीनीकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके अधिकारी द्वारा बताया गया था कि 2016 के बाद से मान्यता नहीं दी जा रही है मदरसों को, इस वजह से उनकी मान्यता नहीं पाई गई, वो गैर मान्यता प्राप्त संचालित पाए गए। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तुषार। फर्रुखाबाद में रेलवे रोड पर नालियों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर विकास मंच के अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं आरोप लगाया कि निर्माण में प्रयोग किया जा रहा सामान घटिया किस्म का है। साथ ही मांग रखी कि रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाए जाने के बाद सड़क के दोनों तरफ लगे बिजली के खम्भों को सड़क के बीच में लगाया जाए। आज हम लोग डीएम साहब से 2 विषय पे हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा है। एक तो लोहाई रोड का जो घटिया निर्माण हो रहा है, सेम ईंटें और आटे का मसाला लग रहा है, जिससे कि भविष्य में रेलवे रोड के किनारे की बिल्डिंगें पलटने के पूरी चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। एक तो उस संबंध में हम लोगों ने उनको अवगत कराया और ये मांग की कि इसकी जांच करके इस निर्माण को ठीक किया जाए और इसको RCC और जाल इत्यादि डाल के मजबूत निर्माण किया जाए। दूसरा, हम लोगों ने सिद्धार्थनगर में SOG सर्विस लांस और त्रिलोकपुर पुलिस मोबाइल लूट की घटना में बड़ी सफलता पाई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभियुक्त के पास से लूट के 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर लूट की घटना का खुलासा किया है। थाना डुमरियागंज और त्रिलोकपुर में 2 मोबाइल लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें थाना त्रिलोकपुर और सराहनीय कार्य करते हुए उसमें आज एक अभियुक्त प्रफुल्ल सिंह निवासी गोंडा को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से दोनों लूटे हुए मोबाइल बरामद हुए, साथ ही जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल वो भी बरामद की गई है और इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस घटना में 2 अभियुक्त इस समय फरार है, जिनका नाम विमल और सरोज है। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेन तोमर ने दौरा किया। राज्य मंत्री सोमेन तोमर जिले के कई विद्युत उपकेंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने समस्या समाधान योजना का रियलिटी चेक कर हालात की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने परिवार के जो हमारे बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा। मैं सुबह 8 बजे बिजली घर पर जब पहुँचा तो मुझे उपलब्ध वहीं पर मिले और समस्या समाधान करते हुए दिखाई दिए। जिस तन्मयता के साथ, जिस सजगता के साथ हमारे परिवार के लोग या अपने विभाग के लोग लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम लोग जो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं, उनको जल्दी से हम लोग निस्तारण भी करेंगे, उनका समाधान भी होगा।
अलीगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के छूटे लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये अभियान 15 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। वहीं इस मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही CHSO और आयुष्मान मित्र के माध्यम से कैंप लगाकर निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। पखवाड़ा चलाया जाएगा जिसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ पर 12 प्लानिंग यूनिट हैं जो उसकी हैं रूरल की हैं, रूरल क्षेत्र की हैं, और 18 प्लानिंग यूनिट अर्बन क्षेत्र की हैं। तो रूरल क्षेत्र में और अर्बन क्षेत्र में हम लोगों ने माइक्रो प्लान बना रहे हैं, और माइक्रो प्लान में 50 मतलब वहाँ जो लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है 50 लाभार्थी पर डे हम लोगों को बना रहे हैं। खबर शाहजहांपुर के खेनी बाग रामलीला मैदान से है, जहां आगामी रामलीला मैदान के लिए आयोजन के लिए स्थलीय निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि रामलीला मेले का आयोजन यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की देखरेख में होता है। वहीं मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरे ग्राउंड की CCTV कैमरे से लैस रखा जाता है। वहीं रामलीला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 23 सितंबर को रामलीला मेले का आयोजन होगा। मैदान का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। वहीं निरीक्षण के दौरान यूपी वित्त मंत्री के भतीजे समेत कई लोग मौजूद रहे। मेला प्रबंधक नरेंद्र मिश्रा गुरु और संयोजक नीरज वाजपेयी यहाँ मौजूद हैं। हम लोग यहाँ पर 23 तारीख से ये रामलीला मेला शुरू होने वाला है, इसकी तैयारियों के संबंध में आज यहाँ आए हुए हैं। विशेष रूप से जो दुकानें यहाँ पर निर्मित की जाती हैं, जिसमें कि बहुत से शहर के छोटे छोटे दुकानदारों को लाभ होता है 15 दिन तक, उनके लिए की विशेष व्यवस्था ये कर रहे हैं। फरखाबाद से दुकानें बनाने वाले विशेषज्ञ बुलाए गए हैं, जिससे कि हम उनके लिए 50 या 60 दुकानें 3 की बना करके उनको तैयार करके दे सकें। सोनभद्र के मालूघाट में संचालित गुरु कृपा आश्रम से चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां आश्रम का केयर टेकर 18 बच्चों को लेकर फरार हो गया। वहीं बच्चे के गायब होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल बच्चों की खोजबीन शुरू कर दी, जिसके कुछ घंटे बाद बच्चों को केयर टेकर के साथ बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आश्रम में 2 कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। सर, चौकन के गुरुमुरा में सर एक आश्रम था, वहाँ से 18 बच्चे गायब हो गए थे, अपने केयर टेकर के साथ चले गए थे, पुलिस ने उन्हें बरामद भी कर लिया, क्या मामला था सर, उसमें क्या किस तरह से बरामद हुआ? देखिए, एक आश्रम है यहाँ पर जिसमें बताया जाता है कि जो गरीब तबके से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको उसमें रखा जाता है, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर संचालक द्वारा की जाती है। इसमें जो उस आश्रम के संचालक थे उनमें आपसी विवाद हो गया, तो एक संचालक उनमें से 18 बच्चों को लेके कल रात से गायब हो गए थे। उन्हें पुलिस ने बहुत मेहनत करके सर्विलांस SOG के माध्यम से जंगल से बच्चों को बरामद कर लिया है, संचालक भी आ गए हैं। तो इन लोगों का आपसी विवाद था, अब इसमें पुलिस जाँच कर रही है कि क्या वो आश्रम सही तरीके से चल रहा था, वैधानिक है या नहीं। बुलंदशहर में धरती पर भगवान की श्रेणी में आने वाले डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशे को बदनाम करने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां इलाज के नाम पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। बता दें कि ये एक युवक बिना किसी चिकित्सा डिग्री के क्लिनिक खोलकर इलाज करता है। वहीं एक महिला ने बुखार आने पर झोला छाप डॉक्टर को चेकअप के लिए घर बुलाया, जहाँ महिला को अकेला पाकर डॉक्टर ने छेड़छाड़ शुरू कर दिया। वहीं महिला के शोर मचाने पर उसका बेटा और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जिस डॉक्टर फरार हो गया। वहीं महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, इसके बाद पीड़िता महिला SSP दफ्तर पहुंचकर SSP से न्याय की गुहार लगाई। इस पर SSP ने थाना प्रभारी को तुरंत मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। मेरे साथ में बदतमीज की है, जानारा गांव में झोला छाप डॉक्टर ने घर पे आकर गुलाब डॉक्टर ने मेरी कॉली भर कर खाट पे गिरा ली, छाती भींचने लगा। कुछ भी नहीं कर रही, कार्रवाई सब पे घूम ली। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, एक झोला छाप डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है, और क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं कि एक झोला छाप जो डॉक्टर है, एक महिला से और आए दिन धमकी भी दी जा रही थी, जिसमें की लेकर पीड़िता ने SSP को प्रार्थना पत्र दिया है और उसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महिला बता रही है कि उनका रिपोर्ट भी दर्ज नहीं किया जा रहा था, ऐसा क्यों?
पहले पीड़िता ने पहले थाने में तहरीर दी थी, उस जब थाने में कोई सुनवाई नहीं की गई तो उस पीड़िता ने एसएसपी का को प्रार्थना पत्र देकर अपनी गुहार लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल। मथुरा के डागोली में अज्ञात वाहन के बाइक सवार को रौंदने का मामला सामने आया, जिसके बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक ड्यूटी करके घर वापस लौट रहा था, जहां किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। खबर गोंडा के कटरा बाजार से है, जहां करंट लगने से 16 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। वहीं मृतक की मां गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि युवती अपने पुत्र के साथ खेत में तार ठीक करने गई थी, जिसके बाद अचानक बिजली का तार टूट गया, जिससे खेत के चारों तरफ लगे लोहे में तार करंट दौड़ गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में आलू के कट्ठों से मेथा दाना छिपा कर ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना पर वाणिज्यकर विभाग की टीम ने वाहन चेकिंग की, जिस पर चेकिंग के दौरान 10 क्विंटल मेथा दाना बरामद हुआ। वहीं दूसरी ओर वाणिज्यकर विभाग के राज्य अधिकारी ने बताया कि आकलन किया जा रहा है, वहीं समापन जब्त कर लिया गया है। वहीं मामले की जाँच पड़ताल के लिए कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में थाना नवाबगंज के चौहान पुरवा गांव में सोते समय एक डॉक्टर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं एसओजी और पुलिस की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी, जिसके चलते पुलिस ने एक युवक को ऐसे रडार पर लिया कि पुलिस कस्टडी में ही युवक की मौत हो गई। साथ ही परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस कदर युवक पर सितम ढाया कि युवक ने मौत को गले लगा लिया। वहीं पूरे मामले में एसपी ने कहा कि जो दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल की मोर्चरी में आया हुआ हूँ। मुझे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नवाबगंज में कुछ दिनों पूर्व एक मर्डर हुआ था, जिसके क्रम में पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को थाने पर लाया गया था। उससे परिवार वाले भी वहीं मौजूद थे, उससे अलग पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद जैसा कि वहाँ पर उपस्थित थाने वालों ने बताया कि उसकी तबीयत खराब थी, फिर जिला अस्पताल में एडमिट किया गया, तो फिर मृत डिक्लेयर डेड उसको किया गया। यूपी के हमीरपुर में स्कूल से वापस लौट रही छात्रा रास्ते में अचानक बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद छात्राओं और स्थानीय लोगों की मदद से छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां छात्रा की मौत हो गई। वहीं छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। छात्रा के परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही छात्रा की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। एक लड़की है ज्योति अग्रवाल जिनका नाम है, ये GIC स्कूल में पढ़ती हैं, 10वीं की छात्रा हैं, 15 साल करीब इनकी उम्र बताई जा रही है। ये अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में अभी लाई गई हैं, मृत घोषित कर दी गई हैं। और जैसा कि इनके जांच से पता चल रहा है कि ये जो है बेहोश हुई पहले, उसके बाद इनको इनके दोस्तों ने और स्कूल के जो सदस्य हैं वो ले के आए हैं, और बाकी की जाँच चलेगी और PM के लिए आगे की कार्रवाई, और इनके जो रिश्तेदार हैं उनके माँ बाप हैं। प्रयागराज के यमुनानगर में नैनी में सेठ आनंदराम जयपुरिया कॉलेज के टीचर और मासूम छात्र के बीच रूठने मनाने का वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहे टीचर ने बातचीत में बताया कि बच्चे क्लास में रोज शरारत करता था, वहीं जब टीचर्स मना करती थी तो रोज वादा करता था कि आगे से ऐसी बदमाशी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वही करता था। ऐसे में छात्र को समझाने के लिए टीचर ने नया तरीका निकाला और उसे नाराज होकर बात न करने की बात कही। तभी टीचर को नाराज देकर छात्र का रिएक्शन था, प्लीज मैम मुझसे बात कीजिए, आप अब बदमाशी नहीं करूंगा। वहीं टीचर डे तक रूठने के बाद छात्र के मनाने पर टीचर ने किस देकर मनाया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उनको भी यही मैं बार बार वही बोलना चाहूंगी कि प्लीज मारना पीटना बंद करिए, बच्चों को प्यार से हैंडल करिए। जितने प्यार से आप हैंडल करेंगे बच्चे उतने ही प्यार से चीज़ों को समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और उतने ही जल्दी अच्छे से समझेंगे, और वो बाद में बड़े होकर के वही चीज़ सेम फॉलो करेंगे। इसमें टीचर विशाखा त्रिपाठी पढ़ाते हैं और बच्चा LKG का छात्र है, और जो हमारी प्रथा है जो समाज में इसमें चल रहा है
क्रूर मानसिकता लोगों को मारने पीटने की। अगर इस तरह से पढ़ाई अगर होगी तो बच्चे डरेंगे नहीं, स्कूल आएंगे और सहमे नहीं रहेंगे, आगे चल के वो पढ़ने में रुचि रखेंगे। मथुरा जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों के माध्यम से गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए गांजा तस्कर उड़ीसा से गांजा खरीदकर बड़े पैमाने पर गांजा सप्लाई करने का काम करते थे। वहीं गांजा तस्करों के पास से 20 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1,00,000 बताई जा रही। वहीं पुलिस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।